नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कैसे आप, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपके सभी पालतू परिंदे मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की कमेंट भाई की कि भाई कबूतर के सूखे का इलाज बताएं। कबूतर सूखे में जा रहे हैं, अचानक से उनका वजन कम हो रहा है। तो मैं आपको कबूतर का सूखे का इलाज बताता हूँ। ये हमारे दवाई के बॉक्स है, तो अभी इसमें से दवाई निकाल लेते हैं सूखे की। तो सभी दवाइयाँ दोस्तों, कुछ दवाइयाँ इसमें हैं और सभी दवाइयाँ यहाँ पर रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ दवाइयों को ठंडी जगह पर रखा जाता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो अरे हटो अभी, चलो आपको दोस्तों ये वाला पाउच लेना है और इसके साथ पॉलीबियन सिरप लेनी है, जो कि सिर्फ सुबह ये पाउच दें या शाम को दें, तो दोनों एक एक टाइम दें। पॉलीबियन सिरप 10 ml एक लीटर पानी में, और अगर ये पाउच देते हैं तो इसका आप सिर्फ 5 ग्राम की मात्रा लें, वो भी 2 लीटर पानी में। दोस्तों ये आपको 91 रुपीज़ का मिलेगा, 20 ग्राम का होता है ये। चलो इसके अंदर आप साफ पानी मिलाएं। तो इसको अच्छे से घोल दें, इसमें कलर नहीं आएगा। और ये आपके कबूतरों को 7 से 8 दिन कंटिन्यू पिलाएं दोस्तों। एक टाइम ये पिलाएं, एक टाइम पॉलीबियम सिरप पिलाएं। इससे आपके कबूतर कभी भी सूखे में नहीं आएंगे। जो सूखे में आ चुके हैं वो फिर से तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये दवाई अगर आपका कबूतर सूखे में है, उसके सीने की हड्डी जिसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं, वो सीप की हड्डी बाहर निकल चुकी है, तो आप लिक्सिन पाउडर जो कि 20 ग्राम में आता है, और इसकी आपको मैं प्राइस दिखा दूं, ये आपको दिख रहा होगा 91 रुपीज़। दोस्तों ये चीज़ आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ आप सुबह पॉलीबियन सिरप दें 10 ml 2 लीटर पानी में, और ये 5 ग्राम 2 लीटर पानी में। आप अगर इसे कंटिन्यू 8 से 10 दिन तक देंगे, तो आपके कबूतरों में जिनकी सीप की हड्डी निकल चुकी है, बराबर वो भर जाएगी और वेट गेन होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके कबूतर फिर से तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर मान लो कबूतर सूखे में जाता है, तो उनके फेदर्स जो पंख होते हैं वो कवर करके रखते हैं शरीर को, तो वो दिखता नहीं है, वो कभी नहीं आपको दिखेगा कि ये सूखे में जा रहा है। बाकी जब आप उसे हाथ में उठाएंगे पकड़ेंगे, तो उनके सीप की हड्डी महसूस होगी, वो चुभने लगेगी हाथ में, और वो सूखे में है ये पता चल जाएगा, हल्का भी हो जाएगा कबूतर। तो दोस्तों ये पाउच आप ज़रूर पिलाएं कबूतरों को, और हर एक कबूतरबाज के पास ये पाउच होना ज़रूरी है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे आपको कबूतर की हर बीमारी A to Z बीमारी का सोल्यूशन मिलेगा, इलाज मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।